आप सब लोग जान रहे हैं कि आज जिस तरीके से पटना में हमारे नौजवान छात्र छात्राओं पर लाठी नीतीश कुमार जी के पुलिस ने उनके इशारे पर बरसाने का काम किया कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए चोटिल हुए और उनका केवल जो मांग था वो जेन्युन मांग था सत्तरवीं बी जो परीक्षा हो रही है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो है लोगों ने सवाल खड़ा किया था बी पहले कह रही थी कि जो है नॉर्मलाइजेशन जो है उसको लागू किया जाएगा पैटर्न जो है वो बदला जाएगा इसके खिलाफ हम सभी लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल ने मैंने खुद स्वयं भी जो छात्र छात्राएं हमसे मिलने आए थे उनकी मांगों को लेकर के हमने उनसे भी वादा किया था कि हमारा पूरा समर्थन जो है उन नौजवानों के साथ रहेगा और हम लोगों ने हर एक प्लेटफॉर्म पे जो है इस मुद्दे को उठाने का काम किया बल्कि मैंने खुद भी आप फेसबुक पे सब लोग जानते हैं स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो उसमें हमने जो मुख्यमंत्री जी को जो चिट्ठी लिखी है वो भी आपको मिलेगा मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने मांग की थी बड़ी विनम्रता से आयोग से कि जो है आप दीजिए हमारे छात्र छात्राएं जो हैं वो असमंजस पे हैं और कई दिनों से ये बातें चल रही थी चार दिन से तो हम लोग लगातार खुद ही इस बात को उठाने का काम कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल हम खुद उससे पहले से भी छात्र छात्राएं जो है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के चिंतित थे लेकिन बीपीएससी ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी इससे पहले भी हम लोगों ने देखा कि क्रिमी लेयर की बात थी ईडब्ल्यूएस की बात थी जो सिपाही भर्ती वाले में जो चयनित लोग थे उन लोगों ने भी बड़ा आंदोलन किया उसका भी हम लोगों ने समर्थन दिया था और हमने वादा किया था कि आपकी मांग को जो है हम लोग लागू करवा करके रहेंगे हम लोग जो कहते हैं वो जो है हम लोग करते हैं एन का हो एन का जो मसला था उसमें सरकार को झुकना पड़ा आयोग को झुकना पड़ा अब लगातार हम लोग इन विषयों को उठाते रहे हैं कि छात्र छात्राओं की जो मांग है उसको मान्य मुख्यमंत्री जी पूरा कीजिए चिट्ठी हमने लिखा मेल किया उनके घर तक पहुंचाया लेकिन मान्य मुख्यमंत्री जी ने कोई भी प्रतिक्रिया कोई भी जवाब इसका नहीं दिया ना तो आयोग ने दिया आयोग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पर चलता है और आज बहुत दुख और पीड़ा हमको है जिन नौजवानों ने आंदोलन किया लाठी खाई जिन लोगों को चोट लगा गंभीर रूप से घायल है लगातार जो है नीतीश कुमार जी के राज में लोग लाठी खा रहे अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं लेकिन सरकार जो है हमेशा हर बार ये काम करती है छात्रों पे लाठी चलाना पेपर लीक कराना किसी पे कार्रवाई नहीं करती है सरकार नीतीस की सरकार किसी को सजा नहीं दिलवा पाती है पता नहीं करवा पाती है लेकिन सवाल ये बड़ा खड़ा होता है कि इतने दिनों से जब छात्र छात्रा छात्राएं जब इस मुद्दे को लेकर के आंदोलन कर रहे थे आवाज उठा रहे थे हर एक प्लेटफॉर्म पर हम लोगों ने भी विपक्ष ने भी जो है आवाज उठाया विनम्रता से हमने आयोग से मांग की थी कि स्पष्टीकरण दे दीजिए नॉर्मलाइजेशन को लेकर के क्योंकि छात्र छात्राएं असमंजस में थे इतने दिन बाद भी वो सुने नहीं आज जब हमारे छात्र छात्राओं का सर फोड़ा गया लाठी से पीटा गया उनको खदेड़ा गया तो अभी हमने ब्रेकिंग न्यूज में देखा कि आयोग कहती है कि ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं था नॉर्मलाइजेशन को लेकर के ये अफवाह था तो मेरा बीपीएससी से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह सवाल है कि आप पहले क्यों नहीं स्पष्टीकरण दिया आज जब छात्र पढ़ेगा भी लाठी भी खाएगा अपने अधिकार के लिए लड़ेगा भी अवॉर्ड भी आपको देगा यह कहां का न्याय है आपने पहले स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया पहली बात मैं छात्र छात्राओं के साथ खड़ा हूं और लाखों अभ्यर्थी ऐसे हैं सर्वर डाउन होने के कारण जो है उनको मौका नहीं मिल पाया है फॉर्म भरने का तीन से दो तीन दिन जो है सर्वर जो है डाउन रहा मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या छात्र छात्राओं की गलती है हमारी मांग है कि सर्वर डाउन हुआ है तो उन छात्र छात्राओं को भी मौका मिलना चाहिए ताकि वो फॉर्म भर सके और जो परीक्षा की जो तारीख है उसको थोड़ा दिन और बढ़ा दिया जाए और उन छात्र छात्राओं को भी मौका मिले जिन लोगों ने सरकार के फेलियर सर्वर फेलियर की वजह से फॉर्म नहीं भरा यह हमारी मांग है लेकिन अभी बीपीएससी का हमने चिट्ठी देखा उसमें सर्वर को लेकर के कोई बयान नहीं है और हम लोग नौजवान हैं हम नौजवान हैं आप लोगों की पीड़ा को समझते हैं पढ़ लिख लिया लोग नौकरी के लिए जब मौका मिलता है तो आप सर्वर डाउन कर देते तो ऐसे सर्वर डाउन रहेगा तो समझे लाखों की अभ्यर्थी ऐसे हैं जो फॉर्म नहीं भर सकते और उनका आने वाले समय में अगले बार कब होगा नहीं होगा उनका उम्र चला जाएगा उनका उम्र चला जाएगा लेकिन सरकार कोई गंभीरता नहीं दिखा रही है ये हर बार ऐसा होता है हर बार लोगों को सड़क पे आना पड़ता है लाठी खाना पड़ता है ये पूरे नीतीश कुमार जी के सिस्टम में जंक लग चुका है कैसे सरकार चल रही है मेरे को तो लग रहा मुख्यमंत्री सोए हुए होश में नहीं है हर बार ऐसा मसला आता पेपर लीक का मामला आता है उस पर चुप्पी साधे रहते कि किसी पे कार्रवाई नहीं करते हम उसलिए आप सब लोगों के बीच आए हैं ये बात करने के लिए कि हमारी स्पष्ट रूप से जो मांग है छात्र छात्राओं का जेन्युअन मांग है अभी बीपीएससी ने सर्वर को लेकर के कुछ भी नहीं कहा सर्वर डाउन होने के कारण जिन लोगों को मौका नहीं मिला है क्या बीपीएससी या सरकार जो है उन लोगों को मौका देगी कि नहीं देगी ये सरकार पूरी तरीके से युवा विरोधी है लोगों पर लाठी बरसाने का काम कर रही है लेकिन किसी की सुनवाई नहीं हो रही और जितने छात्र छात्राएं इस आंदोलन से जुड़े अपनी आवाज को बुलंद किया आज उन सभी छात्र छात्राओं को हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोग जो हैं इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और उसमें हम बस इतना कहना चाहते हैं कि तेजस्वी आपके साथ है यही नीतीश कुमार जी पहले कहते थे कि कहाँ से लाएगा दस लाख नौकरी अपने बाप के पास से पैसा लेके आएगा संभव कहते थे नौकरियां देना लेकिन हम लोग जब सरकार में आए सत्रह महीने कोई पेपर लीक नहीं हुआ था सत्रह महीनों में हम लोगों ने जो कहा वो करके दिखाया और अभी भी हम कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं चलने वाला है नहीं होने दिया जाएगा लेकिन किसी भी कीमत पर उन भर अभ्यार्थियों को मौका मिले क्योंकि इसके दोषी अभ्यर्थी नहीं है सरकार है सिस्टम है क्योंकि सर्वर डाउन रहा तो हम सभी लोग आप सब लोग जो जुड़े हैं फेसबुक पर आप सब लोगों को हम कहेंगे कि जो लड़ाई है जो आंदोलन है उसमें आप सब लोग जो है लोगों का साथ दीजिए राष्ट्रीय जनता दल हम सब लोग खड़े हैं किसी भी कीमत पर हम लोग जो है इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे और आयोग को बार बार झुकना पड़ा है और आयोग झुकेगा लेकिन सवाल खड़ा होता है कि सरकार कैसे चल रही है बीजेपी के लोग क्यों चुप है एक नहीं दो उप मुख्यमंत्री बीजेपी के आज कहां है दोनों उप मुख्यमंत्री मैं सवाल पूछना चाहता हूं बीजेपी के लोग कहां हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कहा है वोट लेना है तो झूठ बोलो नफरत फैलाओ हिंदू मुसलमान करो वो चलता है तब दिखेंगे लेकिन आज जब बिहार के लोग पीड़ित हैं सताए जा रहे हैं उनपे हमला हो रहा है सरकार द्वारा सरकार कौन माने नीतीश कुमार जी गृह डिपार्टमेंट कौन अगर पुलिस लाठी बरसा रही है तो मेरा सवाल है कि गृह मंत्रालय किसके पास है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है गृह मंत्री भी मुख्यमंत्री हैं, यानी पुलिस का कंट्रोल उनके हाथों में है पुलिस खुद ब खुद लाठी नहीं बरसाती बिना अपने आला अधिकारी या मंत्री से पूछे हुए अगर ये काम हुआ है तो ये स्पष्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में सब कुछ था अगर सब कुछ नहीं है तो मुख्यमंत्री जी थक चुके हैं उनसे बिहार चलने वाला नहीं है इसलिए आप सब लोग जो फेसबुक से जुड़े हैं आप सब लोगों को हम धन्यवाद देते हैं और इस लड़ाई को छात्र छात्राओं की लड़ाइयों को युवाओं की लड़ाइयों को हम लोग जो है बैखूबी हमेशा उनके साथ खड़े हैं लेकिन ये पूरा जो सिस्टम जो था कुछ कोचिंग माफिया चाहते थे कौन एसडीएम बनेगा कौन डीएसपी बनेगा ये सारा कोचिंग माफिया भ्रष्ट अधिकारी मुख्यमंत्री जी सब कुछ जानते हुए इन सब लोगों का समर्थन करते हैं इन लोगों को संरक्षण देते हैं उसलिए सच्चाई जो है आप लोगों के समक्ष आनी चाहिए उसलिए हमने अपनी बात को आप लोगों के समक्ष रखने का काम किया